नाम क्या है भाई आपका? कैमरा की तरफ देखते रहना, जितनी मोमोज बना रहे हैं ताजे मोमोज है, नौ बड़े प्रसिद्ध मोमोज है। ये चटनी है, सेजवान चटनी है और लाल चटनी है, बड़ी तीखी चटनी बनाते हैं। दो दिन हो गया, अभी दो ही दिन हुआ, दो दिन में देखिए ग्राहकी कितनी बढ़ गई है इनकी। अच्छा भैया ने बोला आपके? अच्छा और एक लोकल ही है, पहले उनके साथ काम किया था? जैसे झांसी में मोमो मेनिया है ना, हाँ वहीं पे था अपना। अच्छा अच्छा, तो मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जी, हमारी दुआएं हैं। तो चिली पोटैटो रखते हो? अच्छा अभी है। अच्छा तो ये नीचे जगह चिली पोटैटो वगैरह भी है, ये स्टेशन रोड पर बना रहे हैं। और इनके दोनों लोग बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बड़े मन से। देखो ये देखो, इसको पहले बड़ा बनाना है, मंजिल दूर है ये, अभी आपका पहला कदम है मंजिल की ओर। चलिए बढ़िया, आपने भैया से प्रेरणा मिली और आपने यहाँ अपना नया शुरुआत किया। हम क्या है भाई आपका? कैमरा की तरफ देखते रहना जिससे कि वो आ जाए। संतोष जी आप मोमोज बनाते हैं, देखिए बेहतरीन मोमोज बना रहे हैं, ताजे मोमोज हैं। और मोमोज वेज वेज और नॉन वेज दोनों बनाते हो? प्रसिद्ध मोमोज हैं इनके। ये चटनी है, सेजवान चटनी है और लाल चटनी है, बड़ी तीखी चटनी बनाते हैं। ग्राहकों की भी देख लीजिए, लंबी कतार लगी हुई है, काफ़ी ग्राहक फेमस हैं ये, नेपाल लिखते हैं और यहीं आके लगाते हैं। ये देखो भैया लोग खा रहे हैं। तो भैया आपने कब से शुरुआत की यहाँ पे बनाने की? मोमोज जो ताजे ताजे स्टीम से निकल रहे हैं। दो दिन हो गए अभी देखिए ग्राहकी कितनी बढ़ गई है इनकी, और इनका बनाने का तरीके ही कुछ डिफरेंट है। और सॉस तो भाई साहब अल्टीमेट, भाई सॉस कैसे बनाते हो आप बताएंगे कुछ? सीक्रेट है, सबका अपना सीक्रेट है और अपना अपना सबका होता है, लेकिन इनका अल्टीमेट स्वाद है, बड़ा टेस्टी ही बनाते हैं। अभी दो दिन की ये शुरुआत है, स्टेशन रोड पे ये लगा रहे हैं, नया किसी ने प्रेरणा दी। अच्छा भैया ने बोला आपके? अच्छा और एक लोकल ही है, पहले उनके साथ काम किया था? जैसे झांसी में मोमो मेनिया है ना, हाँ वहीं पे था अपना। अच्छा अच्छा, उसी से भैया से काम पैसा हुआ था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सामने आइस कॉन्टेक्ट बनाए रखे जितनी देर हो सके, क्योंकि आपको ही दिखेगा, आपका चेहरा दिखेगा तभी पब्लिक आपके पास आएगी। मैं पूरा आपका वो दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो नेपाली भाई पूरी करके है। ये देखो ग्राहक भी काफ़ी आए हैं और क्वालिटी बहुत बेस्ट है, क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। और अपना राज जिन्होंने सीक्रेट रखा है चटनी का, तो भैया शुरुआत है, तो अभी शुरुआत और सफर कैसा रहा? दो दिन का सफर आपका ठीक ठाक है? आपको ग्राहक की कैसी मिल रही है? ठीक है ना? अच्छा तो अभी कोई बाधा वरना दो दिन में मतलब कहीं कोई वैसी दिक्कत नहीं है आपको? अब मंजिल कितनी दूर है अभी? अभी तो पहला कदम ही समझो, मंजिल अभी आप बोलो, आप लोग बोलो। अभी तो बहुत दूरी है मान लो, हाँ अभी एक शुरुआत है। अच्छा तो सफल तो मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जी, हमारी दुआएं। तो सफ़र आपका अभी कैसा रहा सर? दो दिन का सफ़र कैसा रहा? सही है, बाद में क्या होगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे। नूडल हो गया, सिंगापुरी हो गया और चार प्रकार के मोमो। चिली पोटैटो रखते हो? अच्छा अभी है। अच्छा तो ये नीचे चलो चिली पोटैटो वगैरह भी है। रोल ये रोल कौन सा है? पनीर रोल है मतलब काफ़ी आइटम है, चाइनीज सारा आइटम कवर किए हुए। ये तो यार बहुत बढ़िया है, और आप चटनी भी स्पेशल इनकी सभी कुछ खा सकते हो और बढ़िया बनाते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यही है कि इनका शुरुआत का कारण दो दिन हुए हैं, दो दिन में इन्होंने इतना कर लिया है और पर्याप्त ग्राहक की आ रही है। देखो सभी जो बड़े प्यार से खा रहे हैं और रेट भी उचित हैं। एक प्लेट का कितना रेट है भैया? नॉर्मल रेट है जो बाजार। अच्छा अच्छा, ये देखो ये स्टेशन रोड पर इनका स्थान है, ये स्टेशन रोड पर बना रहे हैं। और इनके दोनों लोग बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बड़े मन से। देखो ये देखो मोमोज फ्राई भी मिलता है क्या? फ्राई और स्टीम। अच्छा आगे चल के तंदूर टाइम लगेगा, इसको पहले बड़ा बनाना है, अब मंजिल दूर है ये, अभी आपका पहला कदम है मंजिल की ओर। चलिए बढ़िया, आपने भैया से प्रेरणा मिली और आपने यहाँ अपना नया शुरुआत किया। तो वही कैसा रहा दो दिन में, और में कैसा लगा आपको? यहाँ पर स्टेशन रोड पर पूरे यही लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी खासी कमाई है और अच्छा धंधा है आपका, साफ सुथरा धंधा है।
और सबसे बड़ी बात है कि चटनी और मोमो सर वेराइटीज आपके पास अवेलेबल है, नॉन वेज छोड़ के सारा कुछ है यहाँ पे। हाँ, फिंगर चिप्स भी है, चाइनीज आइटम भी है, मोमोज भी है। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद।